एसी में भी देखो यहाँ पे कितना भीड़ होता है, एसी को भी जनरल बना दिया कुछ ऐसा। और फिर ऊपर देखो ना तो यहाँ पे बॉटल रखने वाला साइड में एसी वाला और सीट कुछ ऐसा है भाई, बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल वाला सीट है यहाँ पे। सो भाई देखो अभी सुबह 3 बजता है, 1 घंटा और 4 बजे पर लोग पहुँचेंगे। 1 घंटा लेटेड ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, बट आज तो 1.5 घंटा लेटेड ट्रेन है यार। ये देखो लंबा लाइन भाई, टिकट का भीड़ यार, ऐसा वाला गंदा वाला भीड़ देख रहा हूँ। जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस अभी अपन लोग स्टेशन आ चुके हैं बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन, और फिर यहां से अपन लोग दिल्ली की ओर जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि अपन लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो अभी अपन लोग स्टेशन आ गए, सामान अपने पास काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग बिहार शरीफ का स्टेशन दिखाते। सामान इतना ज़्यादा है ना कि भाई मतलब समझ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप ये सब लेके गए आए हैं अपन लोग, क्योंकि बहुत ही धमाल वाला टूर अपन लोग सेट किए हैं। तो भाई दिल्ली जाके आपको टूर का अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे। टूर अपना 20 तारीख से स्टार्ट होगा। ये देखो एक बैग अपना, इसमें पूरा पानी का बोतल रखे हुए हैं, इसमें देखो सारा वाटर बोतल है, इसमें लैपटॉप है और भी कुछ गोप्रो का सारा सामान है, और मेरा कपड़ा वाला बैग ये देखो ये अपन लोग लटकाए हुए हैं। और ये स्टेशन देखो बिहार शरीफ का अपना B5 में है, AC B5 में 45 नंबर शायद सीट है, हाँ 45 है, 46 है, अपर बर्थ है। तो अभी चलते हैं, अपन लोग पीछे ही लगती है, उधर के साइड लगेगी, मैं जहाँ पे एंट्री होता ना वहाँ पे लगेगी ट्रेन, तो अपन लोग वहाँ पे चलते हैं। और ट्रेन तो लगेगी, बस जो B5 है ना वो एकदम पीछे ही छोड़ जाती है, एकदम उधर ही छोड़ जाती है, तो वहाँ पर चलते हैं और फिर बैठते ट्रेन आएगी। तो ये देखो सरंजीवी भी आ गई भाई, ये अपना ट्रेन सरंजीवी, इसी में अपना B5 में 46 नंबर सीट अपना है। और देखो पैसेंजर यार कितना सारा भीड़ है, बट जिसका ऑलरेडी कटा हुआ है ना कंफर्म टिकट उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिसका कंफर्म टिकट नहीं है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। देख रहे हो कितना भीड़ है। और अपना लगेज देखो, दो दो बैग, एक थैली और ऐसे ही। इधर देखो इधर के साइड तो पहले से डब्बा रखा हुआ है, H2 अभी स्लीपर है, AC वाला आएगा पीछे के साइड। भाई ये भी लग रहा है, मस्त भी लग रहा है यार। AC में भी देखो यहाँ पे कितना भीड़ होता है, AC को भी जनरल बना दिया। ये अपना B5 है, इसी में अपना सीट है भाई, इतना भीड़, सोचो यार किसी का टिकट नहीं होगा, सारे लोग ऐसे ही घुस रहे हैं, तो हम भी चलते नहीं तो ट्रेन खुल जाएगी भाई। सो फाइनली भाई अभी देखो पटना जंक्शन पहुँचे, दिख रहा है पटना जंक्शन, ये अपना B5 AC में है। और भाई अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है, इसी कारण से वीडियो बनाने में बना नहीं, बट सही है। लेकिन अपने को यहाँ पे ना सीट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक है ना उनका फैमिली है आया हुआ, वो बोल रहा है B2 में चले जाओ और ये B5 में रहेगा। और ये देखो अपना अंदर का, इधर की साइड देखो यार मतलब काफ़ी भीड़ है, पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और अपना स्कूल का भी एक लड़का है यार, वो लगता है इधर देखो क्या ही मस्त लग रहा है। अभी आगे चलते हैं ना, अभी इसके बाद दानापुर शायद जाएगा, उसके बाद ऐसे ही करते करते अपन लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। भाई ये अपना कुछ ऐसा बर्थ है, और फिर यहाँ पे बॉटल रखने वाला प्लस AC, और सीट देखो काफ़ी ज़्यादा पतला है, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है, लाइक समझ सकते हो कोई भी 3rd AC में 64 सीट होता है टोटल, बट इसमें 80 सीट है, प्लस हमारा वाटर बॉटल रखा था ना वहाँ पे कोई शैम्पू रख दिया, तो वो शैम्पू वाले पैकेट को अपने को फेंकना पड़ेगा। और फिर इधर देखो ट्रेन चल रही है, बट कलर इसका ना काफ़ी मस्त लग रहा है, AC देखो कैसे दिया, अपने को तो ठंडी लेनी है हाथ में तो ले लेते हैं, बट अभी अपन लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं भाई। फाइनली भाई अभी अपन लोग जौनपुर सिटी पहुँचे, ये देखो ये जौनपुर सिटी भाई, इसी से निकल गए अपन लोग, P2 में आ चुके हैं ना, P1 आगे है, P2 ये है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे 4:13 हो रहा है। सो भाई देखो अभी सुबह 3 बजता है,
एक घंटा और 4 बजे पे लोग पहुंचेंगे। ये देखो ऐसी का माहौल भाई, ये अपना वाइट वाला है, ये अपना ब्लैंकेट और ये अपना बगल वाला जो कि उतर चुके हैं। ये देखो उधर। सो फाइनली भाई अपन लोग गाजियाबाद पहुंच गए। ये देखो 1 घंटा लेटेड ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, अच्छा B3 है। 5:08 हो चुका गाजियाबाद भाई, पूरे 1 घंटे लेट है। सो फाइनली भाई अभी अपन लोग दिल्ली पहुंच गए। ये देखो और अपना बैग एक यहाँ एक यहाँ, तो अभी लेके यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल भाई बर्थ देखो कितना कैसा खराब दिया यार, मतलब 64 सीट होता है थर्ड एसी में और 80 सीट इसमें डाला है, तो एकदम अनकंजेस्टेबल हो गया एकदम ये वाली सीट। तो अभी यहाँ से निकलते हैं पहले। ये देखो कैसा है भाई, टोटल 80 सीट, कितना कंजेस्टेड होता होगा आप लोग गेस करो भाई। ये देखो सो भाई अभी हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उतरे हैं, ये देख रहे हो, और इधर TT सारा, ये कौन सा ट्रेन पता नहीं। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2, अपने को 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे जानी है। 6 नंबर नहीं 16 नंबर, क्योंकि अपने को 16 नंबर से मेट्रो लेनी है और फिर अक्षरधाम डायरेक्ट निकलनी है। तो चलो अपन लोग लिफ्ट का यूज करते हैं, लिफ्ट नहीं एस्केलेटर का क्या इसको बोलते हो इंग्लिश में, क्या बोलते हो, अब मैं भूल गया इंग्लिश भाई। तो इसी से चलते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक वाला सीढ़ी पे। यहाँ पे आने के बाद इधर जाओगे तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म, जो कि अपने को नहीं जाना है, कश्मीरी गेट अपने को जाना है, तो 16 नंबर प्लेटफॉर्म जाना है। तो इधर सामने चलते हैं 16 नंबर की तरफ। थर्ड एसी में 64 सीट ही सिर्फ होता है, बट ये वाली बर्थ B2 था ना, उसमें 80 सीट कर दिया था जबरदस्ती का भाई, पैसा उतना ही लिया लेकिन प्रॉब्लम हम लोग को दे दिया। सोने में अच्छा से नहीं बना, छोटा सा सीट एकदम, क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो ये 16 नंबर आ गया, यहाँ से नीचे उतर सकते हो बाहर की ओर जाने के लिए, बट अपन लोग डायरेक्ट यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाएंगे, सामने एकदम चले जाएंगे। देखो यहाँ पे एंट्री वाला का चेकिंग है और सामने एकदम जाओगे तो मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट चले जाओगे। तो सॉरी भाई मैं कश्मीरी गेट बोला था ना, ये अजमेरी गेट है, सो सॉरी। हाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो गया था। अभी देखो ना सामने जाएंगे तो अपन लोग डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन। इधर नीचे देखो टैक्सी वैक्सी सारा कुछ इधर नीचे मिलेगा आपको, मेन गेट से आओगे ना बाहर, तो देखो सारा टैक्सी कैसे खड़ा। तो इधर ही आपको टैक्सी मिलेगी, अगर आप मेट्रो से नहीं जाना चाहते हो, टैक्सी से जाना चाहते हो, तो इधर मिलेगी आपको टैक्सी। बाकी का तो अपन लोग मेट्रो के लिए सामने ही जाएंगे। तो आज फिर से पिछला बार जैसे लाइन में आए थे ना, वैसे ही लाइन में आना पड़ा, बट आज तो 1.5 घंटा लेट है ट्रेन यार। ये देखो लंबा लाइन भाई, कितना भयानक लाइन है, सीढ़ी से ही लाइन स्टार्ट हो गया है और उधर से पहला वाला एंट्री बंद था, दूसरा एंट्री से आए। सो मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं भाई, अभी टिकट लेनी है, जाम काफ़ी लंबा लाइन है टिकट में भी, तो टिकट लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। ट्रेन भी ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो चुका था, 4:30 बजे का टाइम था, 6 बजे पहुँचाई है ट्रेन, तो सोचा 1.5 घंटा लेट प्लस सीट भी बहुत छोटा, कैसे आए समझ सकते हैं, दो दो बैग साथ में। तो अभी चलते हैं मेट्रो का टिकट लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं गाइस। देखो इधर टिकट मिलती है, लाइक जो जो फर्स्ट टाइम आते हैं ना मैप में देखते हैं, बट हमारा तो भाई बहुत बार हो चुका है, तो हम लोग डायरेक्ट जाकर टिकट लेंगे अक्षरधाम का, फिर वहाँ से अपने को यहाँ से निकलेंगे तो राजीव चौक में मेट्रो चेंज करो और फिर डायरेक्ट अक्षरधाम भाई। टिकट का भीड़ यार, ऐसा वाला गंदा वाला भीड़ देख रहे हो, बहुत भयानक वाला भीड़ है। तो लाइन देखो यार, इतना भयानक लाइन, हम भी पीछे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी तगड़ा वाला लाइन लंबा लगा हुआ है, क्या ही बोल सकते हैं भाई। 6:18 20 ऐसा भाई, पूरे 1 घंटे लाइन में लगने के बाद, 1 घंटे लाइन में लगे हैं भाई, तब जाके एक टिकट मिला है अक्षरधाम का। और अभी अपने को यहाँ से आगे जाना है, एंट्री लेना है और फिर
अक्षरधाम की तरफ जाना है। देखो यहाँ पे अपने को सटानी पड़ेगी QR कोड, तब जाके क्रॉस होंगे अपन लोग। ये देख रहा ऐसा होता है। अपन लोग अभी यहाँ से जाएं, यहाँ से अपने को राजीव चौक जानी है, तो समयपुर बादली वाली नहीं पकड़नी है, एक नंबर प्लेटफॉर्म से अपने को जानी है गुरुग्राम की तरफ वाले पे। अगला स्टॉपेज पे उतरना है राजीव चौक और फिर वहाँ से ब्लू लाइन लेना है। अभी येलो लाइन पे जा रहे हैं, अभी ब्लू लाइन पे फिर लेंगे। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे हैं और अभी यहाँ से राजीव चौक के लिए मेट्रो लेंगे, क्योंकि गुरुग्रामा वाला प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे येलो लाइन पे आए हैं और राजीव चौक से अपने को ब्लू लाइन पे जानी है, तब जाके अपन लोग अक्षरधाम पहुँचेंगे। भाई भीड़ तो अभी कम है अंदर के साइड, टिकट काउंटर पे तो बहुत ज़्यादा था, इधर कम भीड़ है क्योंकि इधर लेडीज़ का स्पेशल होता है और इधर सारा जेंट्स लोग। जल्दी से मेट्रो आ जाए भाई। और फिर ये हम थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देख रहा हूँ आगे के साइड एक बैग है, एक पीछे के साइड बैग, ये देखो पीछे भी बैग है और अपने हाथ में टिकट। हम लोग राजीव चौक आ गए हैं, अभी यहाँ से अपने को ब्लू लाइन में जानी है और ब्लू लाइन में जाने के बाद अक्षरधाम वाली मेट्रो लेनी है, लाइक नोएडा स्टील सिटी सेंटर वाला मेट्रो लेनी है अब अपने को ब्लू लाइन में जाने के बाद। ये वाली राजीव चौक है, तो अभी चलते हैं और फिर लेते हैं मेट्रो। ओ भाई देखो ये क्या है, टुवर्ड्स द्वारका सब सिटी, इधर नहीं अपने को उस तरफ जानी है ब्लू लाइन में, उस तरफ से अपने को मिलेगी जो दिख रही है उधर लिखा हुआ वो नोएडा स्टील सिटी सेंटर, तो वही वाली मेट्रो पे चढ़नी है, क्योंकि एक भाई साली वाली जाती है एक नोएडा स्टील वाली, तो नोएडा वाली पे अपने को चढ़नी है। ब्लू लाइन नहीं है? हाँ यही वाली है। किधर जानी, किधर है? आनंद विहार। हाँ इसी से जानी है नोएडा। हाँ नोएडा वाले पे चढ़, वैशाली वाले पे आपके साथ जाएगी टुवर्ड्स नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली, अपने को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली पे चढ़नी है, वैशाली वाली तो वैशाली चली जाएगी। फाइनली भाई हम लोग अक्षरधाम पहुंच चुके हैं, लाइक अभी बाहर निकल रहे, ऊपर के साइड से भी था लेकिन नीचे के साइड से अपन लोग जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से काफ़ी दिनों से नहीं देखे ना, बहुत महीना हो गया। ये देखो सारा कुछ टूट के बन रहा है भाई, ये सारा शॉप बंद है क्योंकि अभी 7 बज रहा है, 6 बजे पहुँचे थे, 45 से 50 मिनट लाइन में लगे उसके बाद। अरे भाई इधर से भी सीढ़ी तोड़ दिया, क्या बात है भाई, ये क्या कर रहा है, कहते ही जहर बना रहा है। अच्छा पहले सिंगल लाइन था ना, उधर काफ़ी ज़्यादा जाम भी लगता था, ये न्यू वाली ब्रिज बनी है तो इसका भी एक वीडियो लाएंगे भाई, दिल्ली आ गए तो इसको भी रिवील करना ज़रूरी है भाई। इधर से एक सीढ़ी था यहाँ से, यहीं से था, जो कि तोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया, तो अभी चलते उस तरफ से चढ़ते हैं ऊपर। तो फाइनली भाई अपन लोग पहुँच गए अक्षरधाम, तो सोच रहे यहाँ पर वीडियो को एंड करें, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे हमारे वीडियो देखते रहना, तो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय। अपन लोग इधर से ऊपर जा रहे हैं, इधर मारुति सुजुकी का शोरूम है और अपन लोग उधर से ही आ जाते हैं अंदर से, अगर नीचे से नहीं आते ना, तो देखो उस तरफ गेट है ना, दिखाता हूँ अभी, वो देखो उस तरफ गेट है ना, उधर से ही आ जाते हैं, लेकिन अपन लोग नीचे की तरफ से आए तो अपने को इतना चलना पड़ा एक्स्ट्रा और सामने साइड जाना पड़ेगा अपने को।